वर्मा साहब, ये शंकराचार्यों का नाम ले लेकर के विपक्ष के जो लोग हैं वो बहुत आरोप लगाते रहते हैं कि विरोध में हैं, आ नहीं रहे हैं। वाकई में सच्चाई क्या और क्या ये एक वजह विपक्ष के पास है जिसके आधार पर इन्हें बहाना मिल गया है कि हम नहीं जा रहे हैं मंदिर उद्घाटन में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में? देखिए, कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं, राहुल गांधी और उनकी जो पूरी बटालियन है वो विघ्न संतोषी हैं। मैं तो खाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरी INDIA की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी कभी कहते थे कि हमको निमंत्रण नहीं आया, हम जाएंगे नहीं जाएंगे बाद में बताएंगे, फिर एक दूसरा लेटर लिखते। असल में समझ नहीं पा रहे हैं कि देश जिस चीज के साथ है, जो सपना देश का पूरा हुआ है, उसके साथ किस तरीके से तारतम्य बिठाएं। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का एक वादा था, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच थी और देश की भी यही सोच थी जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कदम ताल मिलाया। हमारा तो शुरुआती सपना था, हमने तो कोई कभी छुपाया नहीं ना, हम तो इस आंदोलन अयोध्या आंदोलन के साथ खड़े हुए, हमने कहा कि मंदिर वही बनाएंगे और वही बनना चाहिए। बहुत सारी जो दूसरी पार्टियां पता नहीं क्या क्या बात करती, वहां ये बना दीजिए, वहां अस्पताल बना दीजिए, वहां ये कर दीजिए, वहां ये कर दिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, भारत के प्रधानमंत्री वहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे कि अब करें तो क्या करें, किसी कोई ऐसा मुद्दा बचा ही नहीं। हाँ, निश्चित रूप से 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, 2024 में इलेक्शन में इनको भी कोई मुद्दा चाहिए, इनके पास मुद्दा है कहाँ? विकास की बात ये कर नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के हालात हमने कहीं बेहतर किए हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो। कभी कहा जाता था कि विपाशा जो है सरकारें बदल दिया करती हैं, हमने तो सारा मुद्दा ही छीन लिया। आज बिजली उत्तर प्रदेश में 24 घंटे है, सड़क आप किसी भी इलाके में पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण आप चले जाइए, आपको वहां पे सड़कें मिलेगी। तो किसी तरह पानी, जल जीवन मिशन ऐतिहासिक मिशन है, इसको हम पूरा कर रहे हैं और युद्ध गत से पूरा कर रहे हैं। आज अधिकतर इलाकों में, गांवों में नल से जल चला जा रहा है। तो ये सपना कभी पूरा हो नहीं सकता था जिसको योगी जी की सरकार ने, जिसको मोदी जी की सरकार ने हकीकत में बदला है। तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है और ये सपना जो हमारा था वो पूरा हो रहा है। तो इनके पास ये बौखला गए हैं, कभी इनके प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं डुबकी लगा लेते हैं सुबह सुबह, तब ये कहते हैं हाँ ठीक है भाई ठीक है, एक दिन राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं, दूसरे नेता खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कुछ और बोलने लगते हैं। देश ने भी इनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इन्हें गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। ठीक है वरुण जी महाराज, की अब जो 22 तारीख का कार्यक्रम है, जो पूजा पूजन विधि आज से शुरू हो गई है, ये क्या राजनीतिक कार्यक्रम है क्या? कोई ऐसा है कि देश की स्थिति ऐसी बन गई है, ये कहावत है देहाती, भई गति साप छुछुंदर केरी उगिलत आनर लीलत कोढ़ी, ये दशा वही हो गई है। अगर ये ठुकराते हैं निमंत्रण तो इनको भय है कि हिंदू जनमानस नाराज हो जाएगा, और निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो इनके अपने मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है। इनके सामने भी मौका था, आज जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप के कारण ये खुद है जी। भगवान राम ने सबको अवसर दिया है और राजीव गांधी जी ने सबसे पहले आकर शिलान्यास यहाँ किया, दाऊद दयाल खन्ना जी ने अशोक सिंघल जी के साथ मिलकर राम जन्मभूमि आंदोलन 1984 के समय वो शुरू किए थे, उस समय वो थे। तो मौका इन लोगों ने छोड़ा है। अब आज के समय अगर कोई आरोप लगाते हैं तो निदांत गलत है। नरेंद्र मोदी सरकार उसी पद चिन्हों पर चल रही है जिस पद चिन्हों पर आज से 70 साल पहले कांग्रेस सरकार चली थी। हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था जन सहयोग से, और भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जाकर उसका उद्घाटन किए थे। आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी अगर अयोध्या आकर उद्घाटन कर रहे हैं तो इनके सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? भगवान रामलला अपने जन्मभूमि पर जा रहे हैं, कोई नई मंदिर की नई मंदिर नहीं हो रही वहां पर, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पहले से वहां पर प्रतिष्ठित है और उस जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का प्रतिष्ठा, भगवान श्री रामलला का जो सिंहासन है, आज भी हजारों भक्त रामलला का दर्शन करते हैं। जब लाठियां और गोलियां यहाँ चलती थी तो सीने पर गोली खाकर भी भगवान श्री रामलला का दर्शन करने के लिए भक्त आते थे। इसलिए वह अवसर है, वह समय है जब हमारे पूज्य परमहंस जी महाराज के उनके सपनों को साकार किया जा रहा है जी। हमारे दादा गुरु अभिराम दास जी महाराज के सपने को साकार किया जा रहा है, कुछ बामदेव जी महाराज के सपने को साकार हो रहा है, गुरु गोलू गोलवरकर जी के सपने साकार हो रहा है, पंडित देवी दीन पांडे का सपना साकार हो रहा है, हसवर की राजकुमारी 10,000 महिलाओं की सेना लेकर आज 491 वर्ष पूर्व जब वहां लड़ाई हुई थी
तो अंतिम खंजर उन्होंने मीर बांकी के सीने में मारा था। आज भगवान श्रीराम कोर्ट में मुकदमा लड़कर अपने जन्मभूमि को वहां प्राप्त किए हैं। तो जिन लोगों को ये राजनीति दिखाई दे रही है वो अपने चश्मे का नंबर बदल दें। अगर अभी भी अवसर को नहीं पहचानेंगे तो यह उनके लिए बहुत सुखद नहीं रहेगा। ठीक है महाराज जी, मैं लौटता हूँ। संजीव सिंह साहब, मौका तो सबके पास था, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम नहीं था। इसमें कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसे न्योता नहीं दिया गया, और बीजेपी ने न्योता नहीं दिया, सरकार ने न्योता नहीं दिया, ट्रस्ट ने न्योता दिया, लेकिन सभी लोगों ने ठुकरा दिया। ये कार्यक्रम तो आप लोग खालिश प्रधानमंत्री का बना रहे हैं, ये कार्यक्रम तो सभी का था, राजनीतिक दलों का था, हर क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं उन्हें न्योता दिया गया, लेकिन राजनीतिक लोगों में से जो विपक्षी नेता हैं उन्हें नागवार गुजर आए वहां जाना। पहली बात की महाराज जी को भी स्पष्ट करा तो उन्होंने कहा गुरु गोलवरकर का सपना था, 1925 में जन्म हुआ था आरएसएस का और 1949 में इस मंदिर का मामला चला, तब से मामला न्यायालय में था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दोनों पक्ष को समझौते करा के अगर जिंदा रहे होते तो शायद जिस तरह से ताला खुलवाया था उस तरह से इसका भी निष्पादन हो गया होता। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने दोनों पक्षों को बैठकर बात करने की कोशिश की, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने उसको नहीं माना। और आपको एक चीज और बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्य है कि कहा था भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत में आएगी तो राम मंदिर बनाएंगे। आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, 2009, 2014, 2019 तक यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब कोर्ट का जैसा फैसला होगा राम मंदिर के उस फैसले को मानेंगे। तो मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र करने की हिम्मत नहीं। नहीं नहीं संजीव सिंह साहब, अब तो बीजेपी जो आप बात कह रहे हैं ना उसे बीजेपी के कार्यकर्ता जन जन तक घर घर तक पहुंचाएंगे। संजीव सिंह जी, अगर आप कुंदन जी मौका नहीं देंगे। नहीं, संजीव सिंह साहब, आपको मैंने पहले शुरुआत में सबसे पहले आपको मौका दिया, दोबारा आपको मौका दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप राजनीतिक दलों की, बाकी राजनीतिक दलों की इतनी हिम्मत थी कि वो मैनिफेस्टो में राम मंदिर कहीं पर लिख भी दें? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। हिम्मत तो इस बात की थी कांग्रेस की कि कांग्रेस ने शुरू से कहा कि न्यायालय में जो फैसला होगा, और इसीलिए 1991 में ये चीजें जब आई, जब जो रिलीजियस एक्ट लाया गया तो 2019 का जब जजमेंट हुआ तो न्यायालय ने कहा कि साहब ये फैसला इसलिए आ रहा है कि आजादी के पहले से ये मुकदमा चल रहा था, इसलिए अंतिम फैसला होगा जो आस्था के आधार पर है। पूरे देश ने स्वागत किया, किसने विरोध किया? लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूं कि जब इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम बहुमत में आएंगे तो सरकार बनाएंगे, इन्होंने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा ये बतावे? ये अपमान नहीं है क्या? दूसरी तरफ आप जो कह रहे हो कि ये भाजपा का कार्यक्रम, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। आज चारों शंकराचार्यों को आप इनके लोग गालियां दे रहे हैं, ये हिंदू धर्म की सम्मान कर रहे हैं, ये सनातन के रक्षक बने हुए हैं, ये लोग गोलवरकर को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे? गोलवरकर का सपना कब था? अभी जो वरुण महाराज बैठे हुए, अरे ये संघ के भगवा धारण करके, संघ के बाबा जी बन करके हिंदू धर्म का भगवा का अपमान न करें और हमें न सिखाएं। हम उस रघुकुल से आते हैं, हमें कभी इनके नाम की या इनके ठेकेदारी से भगवान राम की राम भक्ति नहीं लेनी है। हम राम भक्त हैं, हम अंध भक्त नहीं है, इसलिए हम सनातनी हिंदू हैं, हम राजनीतिक हिंदू नहीं है। ठीक है, सनातनी हिंदू हैं। आलोक वर्मा साहब जवाब दीजिए, आप लोगों को संजीव सिंह कह रहे हैं कि भाई आप लोग राजनीतिक हिंदू हैं? कभी ये गोली चलाते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। अरे भाई सिंपल सा मंदिर है, हम भी तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और भव्य मंदिर बना। किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो मंदिर बनाया है? देश के एक एक बच्चे ने, देश के एक एक व्यक्ति ने उस मंदिर के लिए कुछ काम किया है, देश के पैसे से वो भव्य मंदिर बना है। और मुझे लगता है कि सबके पास निमंत्रण गया है, सीधी सी बात थी, निमंत्रण में चले जाते, बेवजह की बात करने की जरूरत क्या है? भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, बहुत सारे दूसरे चेहरे वहां पहुंच रहे हैं, और देश का बच्चा वहां पहुंचेगा। मुझे लगता है देश के 145 करोड़ लोग वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक भव्य राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बना है तो गर्व का विषय होना चाहिए, और कांग्रेस के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी, बसपा के लिए भी, दूसरे दलों के लिए भी, सामाजिक संगठनों के लिए भी, इतनी बेवजह की बात करने की जरूरत क्या है? कांग्रेस बहुत राम के
लिए एक राष्ट्रीय शासन तंत्र बनाते हैं। आप भगवान राम को लाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, आपको क्या इतराज है? आप तो निमंत्रण मिला है, आप भी जा सकते हैं। बेवजह की बात करने की जरूरत क्या है? देश का एक एक बच्चा वहां चाहता था कि वहां भव्य राम मंदिर बने। क्या ये आपका सपना नहीं था साहब? आपका सपना नहीं था कि वहां भव्य राम मंदिर बने? भव्य राम मंदिर वहां बने, आपका सपना नहीं था? और अगर आपका सपना, बाहर के लोग भी चंदा दे रहे हैं, चंदे से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी संघ के चंदे से नहीं। वही तो कह रही है, वही तो आलोक वर्मा भी कह रहे हैं कि भाई हमारे पैसे से नहीं बन रहा, गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बन रहा, वही तो कह रहे हैं। चले मैं रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फॉरन लौटते हैं, और लौटने के बाद दिग्विजय सिंह के बयान पर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है वैसा बयान असदुद्दीन ओवैसी देते रहते हैं, मस्जिद को गिराने का बयान देते रहते हैं, मस्जिदों की सुरक्षा का बयान देते रहते हैं, कमोबेश वैसा ही बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है, उस पर भी चर्चा जरूरी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।